गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू योर बेसिक नीड ऑफ योर लाइफ। देर आर थ्री बेसिक नीड्स ऑफ योर लाइफ। House, cloth and food. In chapter 2, you will have studied about the components of food, sources of food and different kinds of foods. आपने chapter number 2 food में बेसिक नीड फूड के बारे में स्टडी की थी, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड या सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में आपने उसमें स्टडी की थी। दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द बेसिक नीड, क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। क्लॉथ्स एंड फाइबर्स, इस चैप्टर में आप फाइबर्स कहाँ से गेट होते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें फाइबर्स, क्लॉथ्स कैसे बनाए जाते हैं, वो सभी टॉपिक इस चैप्टर में आप कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स। एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, क्या जरूरत है हमें इनकी, बेसिक नीड कैसे है हमारी, ये बताएंगे हम आपको। व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, हीट, कोल्ड, रेन एंड टू लुक स्मार्ट। कपड़े हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमें सर्दी गर्मी, इंसेक्ट बाइट या स्मार्ट लगने के लिए, जो अच्छे लगते हैं पहनकर, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। इन दिस चैप्टर टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस चैप्टर में आप कुछ टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स क्लॉथिंग मटेरियल्स की हिस्ट्री क्या है, ये समझेंगे आप। सबसे पहले जो अर्ली मैन थे, जो प्रीमिटिव मैन थे, अर्ली मैन थे, प्रीमिटिव मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ। प्रीमिटिव मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ, कपड़ा बनाना नहीं जानते थे प्रीमिटिव मैन जो अर्ली मैन थे, वो कपड़े के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए वो पहले क्या करते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, दे कवर्ड देयर बॉडी इन वार्मर रीजन्स में वो अपनी बॉडी को बाय लीव्स, ग्रास एंड बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की बार्क होती है, ट्री की बार्क होती है, उससे अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे, करते थे। इन कोल्डर रीजन्स, जो कोल्ड रीजन्स थे, वहाँ पर कोल्ड रीजन्स में रहने वाले जो अर्ली मैन थे, दे कवर्ड देयर बॉडी बाय एनिमल स्किन, वो अपनी बॉडी को एनिमल स्किन से कवर करते थे, एनिमल स्किन से कवर करते थे।
उसके बाद जब पीपल ने एग्रीकल्चर के बारे में स्टार्ट किया, उसके बाद उसने कपड़े के बारे में सीखा, क्लॉथ बनाने के बारे में सीख लिया उसने। धीरे धीरे कपड़े के बारे में भी उसे जानकारी होने लगी आफ्टर एग्रीकल्चर स्टार्ट। अब से अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एविडेंस अबाउट 50,000 ईयर्स एगो, अब से 50,000 ईयर्स एगो साइंटिस्ट के एविडेंस के अकॉर्डिंग जो पहले कपड़े के लिए निडिल का यूज़ करते थे, वो सबसे पहले जो अर्ली मैन थे वो बोन्स से निडिल बनाते थे, जो एनिमल्स की बोन्स होती हैं उनको शार्प करके बोन्स को उनसे निडिल प्रिपेयर करते थे, बोन्स से निडिल प्रिपेयर करते थे उसमें शार्प बोन करके, और उसी से एनिमल स्किन को सीम करते थे, सिल देते थे एनिमल स्किन को, इस निडिल से सिलते थे और उसी एनिमल स्किन को एक क्लॉथ के रूप में वियर करते थे। जो बोन्स से बनती थी शार्प निडिल, उससे उसके बाद जो मेटल्स का इन्वेंशन हुआ, निडिल का इन्वेंस हुआ, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स के बॉडी के अकॉर्डिंग क्लॉथ सूट होने लगे, जो बॉडी पर सूट होते थे उसके डिफरेंट काइंड्स के और डिफरेंट साइज के क्लॉथ्स बनना स्टार्ट हो गए आफ्टर निडिल, इन्वेंशन ऑफ निडिल। नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड टॉपिक इज इस चैप्टर में आप सेकेंड टॉपिक यू विल लर्न हाउ क्लॉथ इज मेड। कपड़ा कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है कपड़ा, उसके बारे में आप सीखेंगे। जो आप कपड़े पहनते हैं, आप स्कूल में भी यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, घर पर भी डिफरेंट काइंड्स के कपड़े पहनते हैं, तो वो कैसे बनाए जाते हैं। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। क्लॉथ्स जो होते हैं, कपड़े होते हैं, फाइबर्स के बनाए जाते हैं। अब फाइबर्स, वेयर डू वी गेट फाइबर्स फ्रॉम, हम फाइबर्स कहाँ से गेट करते हैं, प्लांट से, एनिमल से, या मैन मेड फाइबर्स भी होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह मैन मेड भी होते हैं, ये फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। लेकिन व्हाट आर फाइबर्स, फाइबर्स मीन्स थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड और यार्न। जो यार्न और थ्रेड के जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है थ्रेड और जो बिल्कुल बारीक वाली यूनिट होती है थ्रेड और यार्न की, उसे कहते हैं फाइबर्स। क्योंकि वन यार्न में मैनी फाइबर्स से मिलकर वन यार्न बना हुआ होता है। अब यार्न मीन्स व्हाट इज यार्न, यार्न मीन्स फाइबर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर,
माय स्पिनिंग आर कॉल्ड यार्न्स। जो फाइबर ट्विस्टेड होकर के, ट्विस्टेड मीन्स होता है बेंड समथिंग, बेंड समथिंग, कोई चीज़ यदि बेंड की जाती है उसको कहते हैं ट्विस्टेड, बेंड समथिंग, यानी फाइबर्स को ट्विस्ट करके, बेंड करके, एक साथ बेंड करके स्पिनिंग के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, यार्न्स। You can understand by this process, suppose fibers we get fibers from plants, animals and fibers by spinning process. By spinning process change into yarn of spinning process by charkha or machines charkha se bhi ho sakti hai spinning process fibers ki aur machine se bhi hoti hai। तो स्पिनिंग प्रोसेस के बाद फाइबर्स की स्पिनिंग जो होती है जिसमें मोर देन मैनी फाइबर्स ट्विस्टेड होते हैं एक साथ और यार्न्स बनाते हैं उसको, वो चरखा से भी हो सकती है प्रोसेस और मशीन से भी हो सकती है, किसी से भी, दोनों टाइप से हो सकती है। टू सेट्स ऑफ यार्न, अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न ई डन बाई हैंड लूम्स और लूम्स और पावर लूम्स इज कॉल्ड वीविंग। बाई वीविंग प्रोसेस यार्न्स कन्वर्ट इंटू फैब्रिक और क्लॉथ। जो वीविंग प्रोसेस होती है मशीन ऑपरेटेड बाई हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम एंड मशीन ऑपरेटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पावर लूम। वीविंग प्रोसेस हैंडलूम और पावर लूम मशीन से कंप्लीट होती है और उसके बाद क्या बनाते हैं उसमें, फैब्रिक और क्लॉथ तैयार होता है वहाँ पर। Now you understood how cloth is made. अब हम आपको वीविंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। वीविंग प्रोसेस कैसे होती है, अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, ये टू सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करके होती है वीविंग प्रोसेस। टुगेदर बाय डन बाय लूम्स इज कॉल्ड वीविंग।
यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर। इस टाइप से टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज होते हैं और यहाँ पर लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड वाव एंड क्रॉस वाइज यार्न इज कॉल्ड वाफ्ट। देखिए वीविंग की प्रोसेस में जो लेंथ वाइज यार्न होते हैं इस टाइप के उन्हें वाप कहते हैं और जो क्रॉस वाइज यार्न्स these are known as waft। The lengthwise yarn is called waft, and क्रॉसवाइज यार्न इज कॉल्ड वेफ्ट। इस तरीके से वीविंग की प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। We will cover third topic kinds of clothes in this chapter। There are two kinds of clothes या fibers kinds of fibers There are two kinds of fibers. First is natural fibers. Second is synthetic fibers. Fibers that are obtained from plants and animals are called natural fibers। जो fibers हमें plants और animals से मिलते हैं उन्हें हम natural fibers कहते हैं। The examples of plant fibers or natural fibers are cotton, jute, flax, coir, etc. The examples of animal fibers are wool, silk, etc.
The second type of fibers are synthetic fibers. Synthetic fibers are also known as man-made fibers or artificial fibers. These are obtained from petroleum, एंड केमिकल्स. ये फाइबर्स केमिकल्स और पेट्रोलियम्स के बने हुए होते हैं और मैन मेड होते हैं, इसीलिए इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, etc. Students, in this video we covered the different topics, materials, history of clothing materials, how cloth is made, and kinds of fibers. In this video we covers half of this chapter. Next, the different kinds of plants like cotton, flax, jute, in plants ke bare mein detail mein study hum next video mein करेंगे. नाउ थैंक यू.